उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर मंथन शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन की यात्रा व्यवस्था बैठक 7 फरवरी को ऋषिकेश में आयोजित की होगी। मिली जानकारी के मुताबिक चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर वृहत उच्च स्तरीय बैठक 7 फरवरी को शाम 3 बजे से नगर निगम स्वर्ण जयंती सभागार ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है। बैठक में आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों की रूपरेखा तय होगी। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी यात्रा सरल और सुगम होगी। सरकार पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत रूप से अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल और श्री हेमकुंड साहिब के मई माह में खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 18 फरवरी शिवरात्रि के अवसर पर तय होगी। सुरागिला न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। देखिए, विगत वर्ष जो प्रदेश में हमारे यहाँ श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक आए, उन्होंने जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे सब ध्वस्त कर दिए थे, और इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु पर्यटक तीर्थाटक हमारे प्रदेश में आएंगे, धामों की यात्रा करेंगे। तो पिछले वर्ष में जब भारी भीड़ उमड़ी थी तो उसके कारण से जो हमारे समक्ष जो चुनौतियाँ हुई थी, उन चुनौतियों से हमने कुछ अनुभव और जो प्राप्त हुए उनके आधार पर हमने इस वर्ष भी जब भारी भीड़ धामों में उमड़ेगी उसका आकलन किया है, उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होगी। उस अनुरूप यात्रा समाप्त होने के पश्चात से हमारी स्तर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। जिला प्रशासन हो या प्रदेश सरकार हो, हर स्तर पर यात्रा को लेकर के कार्य योजना तैयार की जा रही है, और जो यात्रा से संबंधित जो विभिन्न एजेंसियां हैं, विभाग हैं, उनके बीच में निरंतर बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही है, और चर्चा वार्ता के पश्चात में कार्य योजना तैयार की जा रही है। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से गत वर्ष हमारी यात्रा सुगम और सरल तरीके से हुई थी और बिल्कुल सफल रही थी, इसी प्रकार से इस वर्ष भी हमारी यात्रा सफल रहेगी और हमारे जो प्रदेश में जो भी यात्री श्रद्धालु आएंगे उनकी यात्रा बिल्कुल मंगलकारी होगी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।